है कि आजकल हम लोग यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो रास्ते में चलने से दिक्कत होता था, जो मोबाइल हाथ से छूट सकती थी या गिर सकता था, तो इसीलिए हम लोगों ने नया सेटअप तैयार किया है जो बहुत ही इजीली तरीके से किया गया है। आपको आइए हम दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने हैंडल बार में कैमरा माउंट लगाया है जिससे नट एक लगाकर कसा हुआ, अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे कि कैसे हमने लगाया है। इसको हमने दोस्तों जुगाड़ से लगाया है जिससे हैंडल में खरोच भी ना आए और सेफ्टी बनी रहे मोबाइल की हमारी। आप देख सकते हैं हिल नहीं रहा है, इसको हम लोग यहाँ से कस दिए हैं। तो आइए इसे हम खोल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए हम इसको खोल रहे हैं और आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसे बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसी ब्रेक का हमारा ब्रेक, एक बार हम ब्रेक मार दिए थे तेज से तो ये मेरा क्रैक हो गया था यहाँ से, तो उसका टूटन ये घर में फेंका हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इसे काम में लिया जाए। तो इसको हम इसमें डालकर और इसी में एक नट लगाकर, यहाँ पे जो नट आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में अवेलेबल है, हाँ 5 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया और ये फोन माउंट, आप हमारे ट्राइपॉड में आपने देखा होगा, ये हम ट्राइपॉड में यूज करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, इसी पर कस देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नट है और ये फोन माउंट का जो यहाँ पे बोल्ट है यानी कि नट बोल्ट, दोनों जो हैं फिट रहना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और कस देते हैं इसको। आप देख सकते हैं हम लोग इसको कस दिए हैं और कसने के बाद हम आपको फ़ोन भी लगा कर दिखाएंगे किस तरह से आपकी फ़ोन की सेफ्टी रहती है। दोस्तों अब ये हो गया हमारा, अब इसके बाद हम लोग इसमें फ़ोन लगाते हैं, ये वाला फ़ोन देखिए। वेल हम इसको अभी व्लॉगिंग वीडियो बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, इसका कैमरा ख़राब हो गया है। चलिए इसको आप लगाते हैं, देखिए आप यहाँ पर ऐसे इसको लगा दीजिए और ये देखिए फुल सेफ्टी के साथ आपका फ़ोन रेडी है। अब आप साइकिल को चाहे जिस तरह से घुमाएं फ़ोन गिरने वाला नहीं है और इससे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा चाहिए आपको, टिल्ट चाहिए ऐसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं राइडिंग कर रहे हैं और आपको मैप खोलना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको इससे फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप साइकिल राइडिंग कर रहे हैं और आपको सुनना है म्यूजिक या यूट्यूब पर वीडियोज़ देखना है तो आप कर सकते हैं, आसान से ऐसे लगा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए और चलाते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ में आपको अगर म्यूजिक सुनना है इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल मैप का यूज करना चाहते हैं तो आप आसान से यूज कर सकते हैं। तो आप इसको केवल साइकिल में ही नहीं, आप इसको चाहें तो आप बाइक के हैंडल बार में भी लगा सकते हैं। तो आप वहाँ के लगाने के लिए आप मैकेनिक से बात कर सकते हैं, खुद ही लगा सकते हैं। और मैप लगाने पर आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ता पता नहीं है और दूसरों से क्या पूछना, आप डायरेक्ट चले जाए मैप के हिसाब से। फिर इसके साथ में दोस्तों आपने देखा हमने फ़ोन माउंट लगाया है, अगर आप चाहें आपके पास DSLR है तो आप DSLR लगा सकते हैं। वेल उसके लिए आपको एक अलग सा ही आता है हैंडल बार में अटैच करने के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बजट में करना चाहते हैं तो आप ये DSLR यहाँ पे इस फ़ोन माउंट की जगह पे ये जो नट बोल्ट है यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना DSLR, उसमें रहता है कसने के लिए, आप कस सकते हैं। तो एक्शन कैमरा अगर आपके पास है तो एक्शन कैमरा भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्शन कैमरा के साथ आपको एक्शन कैमरा का बाइक माउंट भी देता है, आप वो भी लगा सकते हैं। या फिर आपके पास GoPro है तो GoPro भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आपको नया सेटअप, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 15 लाइक्स। और हम जानते हैं आप इसको कंप्लीट करना है, बहुत छोटा है इसका अमाउंट, लेकिन आप कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऐसे नए वीडियो आते रहते हैं हमारे चैनल पर।